22 साल के रियान पराग अगर ऐसी ही फॉर्म में खेलते रहे तो वो टाइम दूर नहीं होगा जब राजस्थान रॉयल्स को उनका दूसरा टाइटल जितवाने में, टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने में और तो और T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जितवाने में अपना पूरा का पूरा योगदान दे, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा मानना इंडिया के करोड़ों फैंस का और सुनील गावस्कर का भी यही मानना है। सुनील गावस्कर की अगर बात करी जाए तो ये सोच रहे हैं कि 22 साल के रियान पराग जो आसाम से आते हैं वो टीम इंडिया में जगह बना सकते हैं। तो आपको हम ये बता देते हैं कि उन्होंने आईपीएल 2024 में जो पारियां खेली हैं उसमें कितने रन बनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टीम कौन सी रही है। लखनऊ के खिलाफ उन्होंने 43 रन बनाए थे, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 84 रन, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 54, आरसीबी के खिलाफ 4 रन और गुजरात टाइटंस की तरफ से 76 रन उन्होंने बनाए थे। अगर छक्कों की बात करी जाए तो उन्होंने एलएसी के खिलाफ 3, डीसी के खिलाफ 6, एमआई के खिलाफ 3, आरसीबी के खिलाफ कोई 6 नहीं लगा पाए थे क्योंकि सिर्फ 4 ही रन बनाए थे और गुजरात के खिलाफ उन्होंने लगाए थे 5 सिक्सेस। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके की रन्स जो है वो खेले हैं, सेकंड प्लेस पर आ जाते हैं। सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ऑरेंज कैप की अगर लिस्टिंग में देखा जाए 261 रन जो है टोटल जड़ चुके हैं। एक बार आईपीएल स्टैट्स पे भी नजर डाल लेते हैं और रियान पराग जो है वो अब तक 69 मैच इंडियन प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं, 861 रन बनाए हैं, 84 उनका बेस्ट है, 132 का स्ट्राइक रेट है और 44 सिक्सेस वो जड़ चुके हैं अभी तक। बिल्कुल, और यहाँ पे ऑरेंज कैप की अगर बात हो तो नंबर वन पे जिसका नाम आता है वो विराट कोहली है। 316 रन पर बनाकर जो है अपनी जगह पक्की कर रखी उन्होंने, लेकिन उनको पूरा पूरा टक्कर दे रहे हैं रियान पराग। 261 रन पे दूसरे नंबर पे आते हैं शुभमन गिल, तीसरे नंबर पे 255, संजू सैमसन उसके बाद आते हैं 246 और पांचवें नंबर पे साई सुदर्शन 226 रन के साथ। अगर बात करी जाए रियान पराग की तो उन्होंने जो है वो 2019 में इंडियन प्रीमियर लीग में डेब्यू किया था और वो तब से लेकर जो है वो साल 2023 तक सिर्फ उन्होंने जो है वो 2 हाफ सेंचुरी मारी थी, जो ये कहीं ना कहीं बताता है कि उनकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी। लेकिन इस साल वो 261 रन इस सीजन में बना चुके हैं और अगर ऑरेंज कैप की रेस में बात करी जाए तो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, वो हम आपको बता चुके। बिल्कुल, और यहाँ पे लेजेंड्स की हम बात कर रहे थे कि इतने लोग उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाता है कुमार संगकारा का। उनका कहना है हिज पोटेंशियल इज देयर फॉर एवरीवन टू सी, फॉर हिम इट इज अबाउट कॉन्सेंट्रेटिंग अबाउट राजस्थान एंड द सीजन, व्हाटएवर हैपेंस विल हैपन आफ्टर दैट। संगकारा ये भी कह रहे हैं कि देखिए आपको जो है ना वो बहुत आगे का सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर खिलाड़ी को यही सलाह दी जाती है कि वन बॉल एट अ टाइम, वन मैच एट अ टाइम जब आप खेलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी हो जाती है और यही जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कुमार संगकारा। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सुनील गावस्कर का ऐसा मानना है कि टीम इंडिया में हो सकता है बहुत ही जल्द रियान पराग का नाम जुड़ जाए। हालांकि इस सीजन में अच्छा खेल रहे हैं लेकिन पिछले ही आईपीएल सीजन में यही वो रियान पराग थे जो स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। तो जहां तक बात है राजस्थान रॉयल्स की तो आपको बता दूं कि फिलहाल पहले नंबर पर नजर आ रही है, गुजरात ने राजस्थान को हराया लेकिन इसके बाद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि 5 मैच खेले हैं, 4 मैच जीते हैं। और राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करी जाए तो संजू सैमसन थोड़ा सा मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और क्यों फंसते हुए नजर आ रहे हैं ये चीज काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है इस वक्त आईपीएल में। हर कोई टीम को जो है स्लो ओवर रेट के चलते उनके कैप्टन को फाइन लगाया जाए, नया नाम जो जुड़ गया है इसमें संजू सैमसन का, उनको हाल ही में हुए मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से 12 लाख का फाइन लगा दिया गया है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान है जिनका नाम है ऋषभ पंत, उन्हें पहले 12 लाख का फाइन लगाया गया उनके ऊपर, फिर 24 लाख का लगाया गया और अगर ऐसा कोई खिलाड़ी तीसरी बार करता है बतौर कप्तान जो उसे आईपीएल में एक मैच के लिए बैन कर दिया जाता है। अब राजस्थान रॉयल्स के जो नेक्स्ट मैच है वो कब कब होंगे उसकी बात कर लेते हैं। पंजाब के खिलाफ जो है वो 13 अप्रैल को मैच होगा, फिर केकेआर के खिलाफ 16 अप्रैल को मैच होगा। बिल्कुल, उसके बाद मुंबई से भिड़ती हुई नजर आएगी 19 अप्रैल को, उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ 27 अप्रैल, 2 मई को सनराइजर्स हैदराबाद। मेरे हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद से जो राजस्थान भिड़ने वाली होगी वो सबसे ज्यादा उम्दा मैच होगा। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के खिलाफ जो मैच होगा ना वो सबसे ज्यादा उम्दा होगा क्योंकि पिछली बार जब वानखेड़े में राजस्थान गई थी खेलने तो बहुत कमाल का खेल कराई थी और मतलब इतनी बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस थी मुंबई इंडियंस की कि बहुत सारे नींद भी हमें देखने को मिले थे। तो अब सवाल यही है कि क्या रियान पराग जो है वो इस साल राजस्थान को उसका दूसरा टाइटल जिता पाएंगे। और जहां तक T20 कॉलअप की बात है, बहुत सारे खिलाड़ी लाइन में जो नजर आ रहे हैं और हर खिलाड़ी यही उम्मीद कर रहा है कि मेरा नंबर तो जरूर आएगा, बाकी देखते हैं कि उनका नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा।
आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल राजस्थान जिस रेस में दौड़ रही है मेरे हिसाब से नंबर वन पे अभी फिलहाल चल रही है, तो मुझे लगता है कि टाइटल भी अपने घर ले जाने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। अगर आपका भी यही मानना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स जिससे मन चाहे उससे इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।